हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो डायग्राम बनाने के साथ साथ मैं आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स भी बताऊंगी। आईबॉल एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, गोल संरचना में गोल, जिसका लगभग 2/3 हिस्सा हमारी ऑर्बिट के अंदर और 1/3 हिस्सा बल्ज होता है बाहर की तरफ। इस तरफ का पार्ट वो हिस्सा है जो हमारी आई ऑर्बिट में पाया जाता है, और जो बल्ज पार्ट है उसको इस तरीके से बना लेते हैं, यानी कि जो बाहर से उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। आईबॉल में 3 लेयर्स पाई जाती हैं, तो उन तीनों लेयर को साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली लेयर जो है उसको बनाने के लिए हमने इस लाइन को डबल कर लिया। सबसे बाहर वाली लेयर ही बाहर वाले बल्ज पार्ट पर, जो सबसे पहली लेयर होती है वो बल्ज पार्ट पर दिखाई देती है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। इसके बाद सबसे बाहर वाली लेयर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्क्लेरोटिक, SCLEROTIC, स्क्लेरोटिक लेयर। फिर जो सेकेंड लेयर है वो कई हिस्से बनाती है, और सेकेंड लेयर में ब्लड सप्लाई भी होती है, इसलिए हम इसका कलर चेंज करते हैं। पहले तो ये हमने बनाई सीलियरी बॉडी, ठीक इसके पहले हमने यहां बनाई सीलियरी बॉडी यूं, क्योंकि ये पूरी आंख की एक लेयर है, तो इसको लेते हुए हम बाहर आ गए। जहां ऑप्टिक नर्व बनाना है उतने हिस्से को छोड़ दिया, ये आ गए और ये आ गए। इस में ब्लड सप्लाई के साथ साथ मेलानिन का पिगमेंट पाया जाता है। लेयर का नाम है कोरोइड, CHOROID, और ये आगे की तरफ सामने की तरफ थोड़ा सा हैंग करती हुई आयरिस संरचना भी बनाती है। इधर भी पैरलर और ये हिस्सा भी आपको उतना ही पैरलर ये दिखाई पड़ेगा। इसी से सीलियरी बॉडी से लगा हुआ सस्पेंडेड, यहां हमारे पास एक लेंस लगा होता है जो कि बाइकॉनकेव है। इसके बीचों बीच एक लेंस लगा लेते, बाइकॉनवेक्स है, सुधार कर रही हो अपने में, बाइकॉनवेक्स ये लेंस लगा लिया। लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट से सदा हुआ होता है, ये सदा कर लिया, ये हमने सस्पेंसरी लिगामेंट लगा लिए और ये हमने सस्पेंसरी लिगामेंट लगा लिए, और इसको यहीं पे लिख लेते हैं LENS, लेंस लग गया। सीलियरी बॉडी हमने यहां बना ली। इसके बाद तीसरी लेयर बनानी है, इसलिए फिर कलर चेंज करते। ये देखिए थर्ड लेयर बनाई हमने, तो जो थर्ड लेयर है वो भी जहां से नर्व जा रही है उस हिस्से में डिसकंटिन्यू करते हैं, ये बना ली। और इस थर्ड लेयर का नाम है रेटिना, RETINA। रेटिना एक ऐसी लेयर है जिसमें हमें इमेज मिलती है, इमेज मतलब प्रतिबिंब। ठीक इसके पैरेलल जाएंगे सामने हॉरिजेंटल एक्सिस पर, तो जो एक स्थान बीचों बीच लेंस के सामने पड़ता है, इस स्थान को हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट। और इस येलो स्पॉट पर सबसे शार्प इमेज बनती है, बहुत साफ बहुत क्लियर। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं शार्प इमेज। ऑर्गन है तो कोई ना कोई नर्व जरूर आएगी जाएगी या दोनों करेगी। फिलहाल इसमें से जो नर्व निकलती है उसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और पूरी सेंसरी होती है, तो ये नर्व निकल करके ब्रेन को जा रही है, हमने इसे लिख लिया ऑप्टिक नर्व। ये हो गया मैं ऑप्टिक नर्व। जिस जगह से ऑप्टिक नर्व ओरिजिन लेती है उस जगह पर इमेज नहीं बनती, इसलिए क्योंकि हमें यहां इमेज नहीं मिलती इसलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहां पर कोई इमेज नहीं बनती। अब आइए बहुत ध्यान से देखेंगे, लेयर नंबर 1 थी, लेयर नंबर 2 थी, लेयर नंबर 3। इस कोरोइड वाली लेयर में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग मेलानिन कहते हैं, जो इसमें दिखाई दे रहा है। मेलानिन की वजह से इसमें से अंदर आईबॉल के अंदर आने वाली जो लाइट रेज हैं उनका बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन नहीं होता। इसी सेकेंड लेयर पे है हम लोग कोरोइड पर, सामने की तरफ यानी आईबॉल जो बल्ज पार्ट है जो बाहर की तरफ है उसमें ये जो हिस्सा कोरोइड ने ही बनाया है,
इसको हम लोग सीलियरी बॉडी कहते हैं, सीलियरी बॉडी। इसके अंदर सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, यानी अगर हम मसल्स इसमें लगाएंगे तो ये मसल्स यू लगी होंगी इस तरीके से। इसी का एक्सपेंडेड पार्ट यानी जो बाहर निकल के आ गया, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आयरिस। अब आंखों के बल्ज पार्ट पर, जो जितना हिस्सा ये बल्ज पार्ट है, उस बल्ज पार्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉर्निया। अब आंखों के बल्ज पार्ट पर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, यानी ऊपर की पलक ये बना ली, फिर एक पतली सी मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करती हुई चली गई नीचे, फिर नीचे की पलक ये बना ली, आईलैशेस बनाने की कोशिश किएगी। इस मेम्ब्रेन का जो नाम है उसको हम लोग कंजक्टाइवा कहते हैं, प्रोटेक्शन का काम करती है। इसमें जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। गौर से देखेंगे सेकेंड लेयर के तीन पार्ट जो कोराइड हमने पढ़ा था, उस सेकेंड लेयर ने यहां पे कुछ हिस्सा छोड़ रखा है, यानी वो इस हिस्से को कवर नहीं कर रहा है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है उस हिस्से को हम लोग प्यूपल कहते हैं। यहां से लाइट रेज अंदर जाती, ये हिस्सा प्यूपल हो गया। इस लेंस की वजह से ये पूरा आईबॉल दो चैम्बर में डिवाइडेड है। इस चैम्बर को विट्रस ह्यूमर, और अब इस तरफ यानी लेंस के सामने वाले हिस्से पर इस चैम्बर में जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस, AQU ह्यूमर, ये हो गया। आईलैशेस वाला ये पार्ट जो आईलेट्स हैं और आईलैशेस हैं, वो आईलेट्स और आईलैशेस का भी अपना फंक्शन। अब एक पार्ट जिसने लेंस को यहां पर होल्ड करके रखा हुआ है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सस्पेंसरी, USPENSOR, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब फिर से स्क्लेरोटिक लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है, कोरोइड के पास मेलानिन होता है जो लाइट के रिफ्लेक्शन को भी रोक रही है, सीलियरी बॉडी बना रही है, सस्पेंसरी लिगामेंट भी बना रही है और आयरिस भी बना रही है। इसके पास ब्लड सप्लाई है और ब्लड सप्लाई की वजह से ये आई को, पूरे पूरे आई के पार्ट को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। फिर अंदर जो रेटिना है जिसपे इमेज बन रही है, इस इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, और उन सेल्स का नाम कोन्स और रॉड्स हैं, कोन्स एंड रॉड्स लिख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद जहां सबसे शार्प इमेज बनती है वो इसके ठीक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सीधे पड़ता है, इसको हम लोग येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं, शार्प इमेज हो गई। ऑप्टिक नर्व सेंसरी है, ब्रेन के पास मैसेज लेके जा रही है, जहां से मर्ज आउट हो रही है उस हिस्से को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, वहां हमें कोई भी इमेज नहीं मिलती, लेंस बाइकॉन्वेक्स है। और इस लेंस से यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज अंदर जाती है तो येलो स्पॉट पर हमें इन्वर्टेड और रियल इमेज दिखाई पड़ती है। इन तीनों लेयर में से केवल एक ही लेयर सामने की तरफ जा रही है, दैट इज स्क्लेरोटिक, और ये आगे जाकर ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और ट्रांसपेरेंट हो जाने की वजह से लाइट रेज बड़ी आसानी से अंदर जा पाती है। जिस जगह से लाइट रेज अंदर जाती है उसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। तो थैंक यू एंड बाय बाय।